हेलो दोस्तों, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम्स। खास करके दोस्तों, सीरीज है अपना महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस एग्जाम पेपर 2 के से डेडिकेटेड है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं लेटर ओ से शुरुआत होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। इसके पहले मैंने दोस्तों इस सीरीज के ऑलरेडी 14 पार्ट जो है अपने अपने जो चैनल पे अपलोड कर दिए। अगर आपने उस वीडियोज को अभी तक देखा नहीं तो जरूर देख लीजिएगा। उन सारे वीडियोज का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोज को देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए, तो कुछ कैंडिडेट्स को डिफिकल्टी हो रही है डाउनलोड करने में, तो आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो के एंडिंग में कि डाउनलोड कैसे करना है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ओ से शुरू होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। तो फर्स्ट वर्ड इज आउटरेज। आउटरेज का मीनिंग होता है दोस्तों मराठी में जुलूम करना या फिर दुष्ट कृत्य। ठीक है, कोई भी बुरी चीज करना। तो इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों इसके जो सिनोनियम्स हो जाएंगे ऑफेंस, असॉल्ट, इररेवरेंस या इररेवरेंट या फिर माल ट्रीटमेंट। देखिए, इररेवरेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। इररेवरेंट का मतलब होता है किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करना। तो इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा रेवरेंस हो जाएगा। रेवरेंस का मतलब होता है किसी को बहुत ही ज्यादा क्या करना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। ठीक है, तो बहुत अच्छे वर्ड्स है, एग्जाम में आने के इनके चांसेस होते हैं। अगला शब्द देखिएगा दोस्तों ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा करने। तो मराठी में आप बोल सकते हो कोई भी चीज, आप अगर कोई भी इंसान शो ऑफ कर रहा है तो आप बोलोगे उसको क्या कर रहा है, ऑस्टेंटेशन कर रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले, वॉन्ट, प्रिटेंशन करना या फिर पॉम्पोसिटी। ठीक है, पॉम्पोसिटी का मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाना, ज्यादा एटीट्यूड दिखाना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हो सकता है आप सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑस्टेंटेशन ना पूछे तो एग्जाम में वो पॉम्पोसिटी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेम आपका जो रहेगा उसको क्या करना है, वहां पर ऑप्शन में टिक करना है। अगला शब्द देखिएगा दोस्तों ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित या फिर कोई भी ओल्ड थिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर कोई भी चीज पुरानी है, आउटडेटेड है, उसकी अगर डेट खत्म हो गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट है वो चीज। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आर्काइक हो जाना, आउटवॉर्न हो जाना, एंटिक हो जाना। एंटिक का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, पुरानी। अगर कोई भी चीज़ पुरानी है तो आप उसको क्या बोलोगे, एंटिक हो चीज, या फिर ऑब्सोलेसेंट हो जाना। ये क्या हो जाएंगे, इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड देखिए क्या दोस्तों, अबनॉक्शियस। अबनॉक्शियस का मतलब होता है त्रासदायक, किसी को तकलीफ देना, वाइट या फिर कोई अगर ज्यादा डिटेस्टेबल चीज है कोई भी, ऑफेंसिव है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑफेंसिव हो जाना, परनिशियस, डिटेस्टेबल। ये क्या हो जाएंगे, सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अभी देखिए आपको कैसे गेस करना है, ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है तो ऑब्वियसली इसके जो सिनोनिम्स रहेंगे वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे भी आपको क्या करना है, पता करना है एग्जाम में। अगला शब्द देखिए क्या दोस्तों, ओवरआउट। ओवरआउट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, एजिटेटेड हो जाना, चिंतित हो जाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाना, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है दोस्तों किसी को उकसाना। ठीक है, अभी ये भी नेगेटिव वर्ड आपको रिलेट करना आना चाहिए इनडायरेक्ट वे भी, इंटेंस। ये क्या हो जाएंगे, इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरआउट के। अगला शब्द देखिए क्या दोस्तों, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है उद्रेक, कोई भी चीज का फैलाव हो जाना। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, उसका भी क्या होता है दोस्तों, आउटब्रेक हुआ था, बहुत ज्यादा क्या होता है, फैलाव हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम देखिए क्या हो जाएंगे, इसको सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों कोई भी चीज का आउटबर्स्ट हो जाना, फट जाना, एक्सप्लोजन हो जाना या फिर इनसरेक्शन हो जाना। ये क्या हो जाएंगे, इसके सिमिलर मीनिंग वाले शब्द हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सेक्वियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस दोस्तों। ऑब्सेक्वियस का मतलब होता है किसी की चापलूसी करने, ठीक है, तारीफ करना झूठी झूठी। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्लैविश, स्लेव की तरह बिहेव करना, सर्वाइल, साइकोफेंटिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है साइकोफेंटिक, आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज भी कर सकते हो। अगर कोई इंसान किसी की चापलूसी कर रहा है तो आप उस इंसान को क्या बोलोगे, साइकोफेंटिक। ठीक है, या फिर सब सर्वेंट, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सिमिलर मीनिंग वाला शब्द हो जाएगा ऑब्सेक्वियस का। अगला वर्ड देखिएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जो मीनिंग होता है मराठी में आप बोलेगे ध्येय, हेतु, या फिर हिंदी में बोलेगा इसको इरादा। अगर आपको आपका भी कुछ लाइफ में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ हेतु होता है कुछ अचीव करने का, तो उसको आप क्या बोलोगे, आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, गोल, पर्पज हो जाना, रिजॉल्व या फिर इंटेंशन। ये क्या हो जाएंगे, इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव शब्द के। ठीक है दोस्तों, तो आज के शुरू में हम लोग ने ओ से शुरू होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम लोग ने दोस्तों कवर कर दिए यहाँ पर। और आपका जो यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड है दोस्तों ओवरवेल, इसका आपको क्या करना है, सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जो मीनिंग और सिमिलर मीनिंग वाले शब्द क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे आपको जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आपका जो एडमिट कार्ड है पोस्ट ऑफिस एग्जाम के लिए कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आपको ऑफिशियल
पेपर महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस का। अगर आपको यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए पेपर टू और पेपर थ्री के लिए, उनको क्या करना है, यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट, देखिए नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा स्टार्टिंग में जो आपने किया था, और यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर नंबर या फिर पासवर्ड आप भूल गए हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप राइट कॉर्नर में अगेन देख सकते हो होम है, होम के बाजू में डैशबोर्ड, यहाँ पर व्यू। तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए पेपर टू और पेपर थ्री के लिए यहाँ पर ऐसा देख के आएगा। देखो यहाँ पर आया है एडमिट कार्ड फॉर पेपर टू एंड पेपर थ्री पोस्टमैन मेल गार्ड। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड, कुछ कैंडिडेट से मिस्टेक किया हुआ है, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किया है। आपको इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना दोस्तों, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड के लिए दोस्तों लिंक है ये ऊपर वाला है, एडमिट कार्ड फॉर पेपर टू एंड पेपर थ्री, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था आपको कैसे डाउनलोड करना है आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और सारे वर्ड्स के जो जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए अपने चैनल पे, सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका दोस्तों ये सीरीज़ है मैं जेड तक पूरा लेके जाऊँगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम से पहले, सो डोंट वरी। और मिल